हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवेंद्र साल, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज की रेमेडी है ना फ्रेंड्स, वो है स्किन की कलर को लेकर। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या आपका स्किन चेहरा जो है ढल गया है, होता गया है कई बार। हम जैसे पार्टी वार्टी में जाना होता है या कहीं जाना होता है ना, हम झट से शीशा देखते हैं, हाँ मेरे चेहरे का ग्लो चला गया, ये क्या हो गया मेरे फेस को। होता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो कई बार होता है ये। तो आज की जो रेमेडी है क्यूक वाली रेमेडी है, आपको एकदम रिजल्ट मिलेगा उसका, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री का है यार, बिल्कुल फ्री का है, समझा करो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जस्ट जोक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर करिएगा। और हाँ, जो आज की रेमेडी है फुल वॉच करिएगा, बहुत छोटी सी रेमेडी है। कितना टाइम यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, पूरी उसकी डिटेल बताऊंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडी आज की। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके चेहरे को क्लिनजिंग करना है, तो क्लिनजर के लिए आपको क्या चाहिए वो बता रही हूँ आपको। आपको लेना है एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, मैंने ये एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लिया है फ्रेंड्स। एंड सेकेंड आपको क्या मिलाना है, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या होता है, ये हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है, हमारी स्किन के दाग धब्बे भी हटाता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास ओरिजिनल है, घर का है, ऑर्गेनिक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या मार्केट का ले सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का, तो ये आपको लेना है आधा चम्मच, यानी कि एक चम्मच हमारा कॉफ़ी पाउडर था और आधा चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और अपने फेस पर 2-3 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करिए, उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को धो दीजिए। और सेकंड स्टेप में आपको करना है, सेकंड स्टेप में है एक्सफोलिएशन यानी कि स्क्रब। इसमें आपको एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर चाहिए, एक चम्मच मीठा दही लेना है। बस इन दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और अपने फेस पर कम से कम 5-7 मिनट के लिए इसे अप्लाई करिए, हल्के हाथों से मसाज करके फिर फेस धो दीजिए। अब आती है पैक की बारी। पैक के लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, एक चम्मच आप इसमें हनी मिलाएंगे। हनी जो होता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एक चम्मच इसमें आप दही का मिलाएंगे, एक चम्मच इसमें आप बेसन मिलाएंगे। बेसन जो होता है ये आपकी स्किन टोन को चेंज करता है। और कुछ बूंदे लेमन की, लेमन जूस की, यानी कि कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के। अब इनको अच्छे से मिक्स करिए और अपने फेस पर 10 मिनट के लिए अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत अच्छा पैक है, ये आपकी स्किन में इतना अच्छा काम करेगा। ये अगर तीनों स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन भी हटेंगी, दाग धब्बे भी हटेंगे, आपका चेहरा जो है एकदम। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करिएगा, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। फिर लवली फीडबैक कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।